अस्सलाम वालेकुम। आज हम तुर्बन कैप बनाएंगे। पहले भी मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अब ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, वो मैंने डबल कपड़े से बनाई थी और ये इसकी मैं स्क्रीन में पिक्चर भी चला रही हूँ। और ये हम सेकंड बना रहे हैं, ये अलग स्टाइल से बना रहे हैं। और इसके लिए मैंने कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड किया है और उसके लिए मैं 10 इंच ले रही हूँ। और सारी आप देख रहे हैं जितनी भी है, सारी साइडों से मैं 10 इंच तक मार्क करती जाऊंगी। और उसके बाद हम उसे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, हमने कटिंग कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, ये नीचे की साइड से कन्नी वाली साइड में ले लिया, लेकिन फिर भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। अभी हम फोल्ड करते हुए मैं स्टिच करती हुई जाऊंगी। अब ये जो साइडें हैं इसे हम लाइटर की मदद से लॉक कर लेंगे, क्योंकि इसकी ये साइडें निकलेंगी। आप चाहें तो आप इस पे बारीक सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन बारीक सिलाई लगाने से, क्योंकि गोलाई है तो फिर इतनी कोई ख़ास अच्छे से नहीं लगेगी, लेकिन आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसे इस तरीके से पक्का करती जा रही हूँ, क्योंकि हमने इसके बाद भी इसे स्टिच करना है। देखें, ये कोई और कपड़ा होता तो ना निकलता, हम डायरेक्ट भी स्टिच कर लेते, लेकिन क्योंकि ये सिल्क है तो इस वजह से हमने इसे लॉक किया। अब हमें एक सुई धागा लेंगे और उसकी मदद से हम छोटे छोटे यूं स्टिच लगाते जाएंगे। अब आप करीब ध्यान से देखें, मैं इस तरीके से बिल्कुल सिंपली स्टिच करती जा रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से। और इस तरीके से हम सारी की सारी स्टिच लगाते जाएं पूरी गुलाई वाली साइड से। अब देखें, मैंने ये तीनों साइड पे लगा लिया, एक साइड छोड़कर। अब इस तरह लगाने के बाद, जब हमने सारे स्टिच लगा लिए हैं, अब हम एक साइड से धागे को खींचते हुए जाएंगे। अब ये देखें, इस तरीके से आराम आराम से करके बिल्कुल हम धागा खींच लेंगे तीनों साइड से, बिल्कुल इक्वली, यानी एक तरफ ज़्यादा फिर चुनट ना आए, सारी चुनटों को मिलाते हुए। और फिर इस तरह दोनों कोनों को मिला के हम स्टिच करेंगे। और फिर ऊपर से भी जो जो गोलाई से बनी हुई है उसे भी हम स्टिच कर देंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद, ये देखें, हम इसे पक्का कर लेंगे ताकि सिलाइयाँ खुले नहीं, जो हमने ये एक चुनट सी बनाई हुई है। उसके बाद मैं एक स्कार्फ कपड़ा ले रही हूँ, नेट का जो पीस मेरे पास बचा हुआ था, इसका सेंटर 2 इंच है और साइड्स जो हैं वो 1 इंच की हैं। और डबल फोल्ड में कपड़ा है और 14.5 इंच का है, यानी कि टोटल टोटल इसकी 29 इंच लेंथ है और डबल फोल्ड में वो 14.5 इंच तक था। अब इस तरीके से देखिए, हम इसे एक तरफ से सुई की मदद से बड़े बड़े टांके लगाते जाएंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक। अब देखें, ये कुछ इस तरीके से बन गया और इससे हम फ्लावर बनाएंगे। अब इसके लिए मैंने इस तरह नहीं किया कि इसे एक गोलाई में ले लिया, हम मैं ऊपर नीचे करते हुए घुमाते हुए बिल्कुल इस तरीके से लेंगे ताकि वो फूला फूला सा लगे। अगर आप चाहें तो अलग अलग करके दो फूल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही को फोल्ड करके और ऊपर नीचे करके इसे डबल फूल की लुक दी है। और फिर हम इसे इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, जहां हमने टांके लगाए थे उस तरीके से। हम यहां पर चाहें तो आप बो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शेयर करती रहूँगी विंटर में। और आप गरम कैप भी बना सकते हैं इसी तरीके से, इसी स्टाइल में। और ये देखिए, अभी फाइनल लुक इसकी कैसे आ रही है, इतना खूबसूरत लग रही है बनने के बाद। और ये ऑलरेडी फ्रॉक के साथ मैचिंग कैप है, मैं फ़्रॉक की वीडियो भी बहुत जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उसके साथ पहनी हुई है, बहुत प्यारी लगी। और भी इस तरीके के मज़ीद आइडियाज़ के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।